हेलो, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज बॉय सारंग खान, माय फर्स्ट ब्लॉग। तो यार मैं अभी अभी सो के उठा था, तो यार मैं काफ़ी दिनों में सोच रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं, पर व्लॉग नहीं बना पा रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी यार, मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो अब हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। अभी नाश्ता करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं फ्रेश हूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। यार अपना पूरा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ आप लोग से हर चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइएगा प्लीज़ यार, थैंक यू। ओके, फिर आपसे मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, फ्रेश होने के बाद। बाय। यार फाइनली मैं नहा के तो आ चुका हूँ, देख सकते हैं बाल बहुत फुल गीले हो रहे हैं मेरे, सर्दी भी लग रही है। तो अभी मैं बालों को ब्रश करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं पहले नमाज पढ़ने जाऊँगा। मेरी बाल भी ब्रश कर ली है, तैयार भी हो चुके हैं, जैकेट भी पहन ली, फिटिंग भी कर ली जो करनी थी। तो अभी मैं नमाज पे जा रहा हूँ, उसके बाद नमाज से आने के बाद फिर एक और चीज़ है मैं आपको वो दिखाऊँगा। मैंने यार एक पार्सल ऑर्डर किया था डीफिट से ट्राउज़र, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो यार अभी मैं बस निकल चुका हूँ घर से, मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, जोहर की नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ, देखें हमारी हबीब को, देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से, खूबसूरत हबीब है हमारा। मस्जिद भी दिखाएंगे आपको, मस्जिद भी दिखाऊंगा, मस्जिद की हमारी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और आलीशान है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ज़रूर। मैंने सोचा यार जब इतना कुछ दिखा रहा हूँ तो मस्जिद भी दिखा दो। देखें हमारी मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे अल्लाह का घर है जहाँ हमें बहुत सुकून मिलता है। नमाज में तो इंतहाई सुकून है, ज़िंदगी आसान है। बस आप लोग भी नमाज़ पढ़िए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। तो हमने नमाज़ पढ़ ली है, अभी अभी बस मजे से बाहर है, नमाज हो गई हमारी माशाल्लाह से। बस दुआओं में याद रखिए, आप भी नमाज पढ़ें, अल्लाह हमारी सारी मुश्किलें आसान फरमाएगा। सबको नमाज पढ़नी चाहिए, हर मुसलमान मर्द औरत पर नमाज फ़र्ज़ है, तो नमाज की पाबंदी सब कर रहे हैं माशाल्लाह से, हम भी कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें नसीब किया। तो बस दुआओं में याद रखिए, चले, इतनी भूख लग रही है, भूख भी मुझे काफ़ी लगी है, घर की तरफ से जा रहा हूँ, नाश्ता करते हैं फिर नाश्ते के बाद। तो फाइनली गाइज हमारा नाश्ता हो चुका है, आए हमने नाश्ता भी कर लिया, नमाज़ भी पढ़ ली, फ्रेश भी हो गए, अब हम फ्री हैं, अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये मैंने ऑर्डर किया था टीफिन से, तो मैंने खोल तो पहले ही दिया था, तो मैंने सोचा अभी आपको दिखा देता हूँ खोल के, मैं देख चुका हूँ, मैंने बोला मैं आपको भी दिखाऊंगा खोल के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये मैंने मंगवाया था टी फिट का ट्राउज़र, तो देखते हैं कैसा है ये, पहन के चेक नहीं किया मैंने अभी, बस खाली खोल के देखा था, पहन के भी दिखाऊंगा कैसा लगता है, जिम जाऊंगा जिस टाइम, तो उस टाइम दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। तो ये ट्राउज़र है, क्वालिटी देखें यार इसकी बहुत अच्छी है, देख प्राइस का, तो मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। तो चले फाइनली ये भी हो गया डन, अब बाहर देखते हैं क्या करना है, बाहर किसी के पास जाऊंगा दोस्तों से, बताओ आपको दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा अपने दोस्त से भी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज मैं अपने दोस्त के पास आ चुका हूँ, जैसे मैंने बोला था मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा किसी, तो मैं अभी अपने दोस्त के पास आया हूँ, बिलाल खान सर, उसी घर के बाहर खड़ा, उसकी दुकान भी यही है, उसकी दुकान भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये बैठा हुआ भी है यहाँ पे। तो ये है बिलाल खान सरवर, क्या हाल है भाई, कैसे हो? अल्लाह करम मैं आप, हाथ तो मिलाओ, हाथ तो मिलाओ, क्या भूल गए हो क्या हाथ मिलाना, मुसलमान नहीं हो क्या, कच्चे हो गए मुसलमान तुम, हाँ बड़े हरामी हो, हंसो नहीं, दांत नहीं निकालो भाई, जवाब दो, निकाल, शौक आ गया भाई, भाई शौक ये हुआ कि यार मैं मोटिवेट हो रहा था बहुत लोगों को देख देख के, मेरा पहले से मतलब माइंड बना हुआ था कि यार मैं ब्लॉगिंग करूंगा करूंगा करूंगा, बस मैंने आज बोला उठते साथ ही, आज मैं सो रहा था बस मेरे ख्वाब में आया कि यार मैं उठते साथ ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा, ख्वाब में आया, हाँ ख्वाब में आया था, तो फिर मैंने बोला चलो यार ख्वाब जब आया तो इसको सच कर लेते हैं, कुछ कुछ ख्वाब सच हो जाते हैं, तो मैंने बोला ये भी सच कर लेता हूँ, अभी आप बताओ
सही, अल्लाह आपको कामयाब करे। हाँ बस आप दुआओं में याद रखो, दुआएं दो, बाकी बदतमीजी नहीं करना ब्लॉग में, जैसे कि आप हर वक्त करते रहते हो। बाकी जिम में तुम्हारे को बदतमीजी क्यों कर रहे हैं भाई, बाकी जिम में भी आप थोड़ा सपोर्ट करना, मोबाइल वगैरह पकड़ना, एक्सरसाइज करेंगे तो वर्कआउट भी दिखाएंगे। सही है तो वर्कआउट करते हो। तो भाई ये देख लिया आप लोगों ने, ये नमूना दोस्त मेरा बहुत अच्छा बंदा है यार, ये नहीं बंदा बहुत टायर्ड है ये, बाकी ये हरकत जो करता है ना वो क्या बताऊँ मैं। ये मतलब तंग बहुत करता है, बाकी अभी ये व्लॉग में नहीं कर रहा, वैसे बंदा भी चुप हो गया था। आज पहला व्लॉग है ना मेरा। Oh my God! Wow! यार तो मैंने बोला आज पहले ऐसे बंदे से मिलवा देता हूँ जो मेरा अच्छा दोस्त भी है, जिम पार्टनर भी है, तो मिलवा दिया। अब बाकी जिम में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके बाय। हेलो गाइस, तो जिस बंदे से आप लोगों को मैं दोपहर को मिलवाया था ना, बिलाल सरवर, उसकी ऑटो शॉप की दुकान है, तो उसको जरा आप देख सकते हो सफाई करते हुए किस तरह से कितनी ही मेहनत और मशक्कत के साथ ये बंदा सफाई कर रहा है, जरा दिखाए इसको। वाजी डोले शोले, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया बंदे, बन जाओ। फुल सफाइयाँ चल रही है, बंदे शर्मा रहे हैं। बंदा शर्माओ मत, घबराना नहीं है, अपने ही है, घबराओ नहीं, सब अपने ये अच्छी तरह से सफाई करें। मेहनत में अजमत है भाई, बिल्कुल मेहनत में अजमत है, बहुत बहुत अच्छी बात है आप सफाई कर रहे हैं। ओहो बाल मत खुजाए, मुझे पता है आपने नहाया नहीं है काफी दिनों से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। मेरे दोस्त, अबे यार क्या बात है भाई, ओ फिर नहीं खुजाओ भाई, सर मत खुजाओ। अभी मार रहा है भाई, अभी कपड़ा मार रहा है। वाह जी वाह, तो देखो 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 देखो, ये बंदा बहुत मेहनत वाला बंदा है भाई, बहुत मेहनत करता है ये, बहुत मेहनत करता है, बहुत ही अच्छा बंदा है ये। रिश्ता पता था नहीं? ओ अभी रिश्ता, अभी गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, क्या हो गया? गुस्सा मत हो भाई, अब ये गुस्सा। ये देखो चलो फिर मिलते हैं यार जिम में, अभी जिम जाएंगे, अभी बस अभी ईशा की नमाज पढ़ के फिर हम अपने घूम जाएंगे, फिर जिम में मिलते हैं। ये बिलाल, अभी जिम आया हूँ बिलाल के साथ, जिम बस जिम के बाहर ही खड़े हैं चिप्स खाने के लिए, तो चिप्स दिखाता हूँ आपको। ये देखो चिप्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं भाई, चिप्स खा रहे हैं। मेरी वाली में ना मसाला कम है, और भाई केचप बस केचप वगैरह डाल दे। अभी चिप्स खाएंगे, उसके बाद जिम जाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे जिम में, फिर एक्सरसाइज के टाइम वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे आज एक्सरसाइज हो रहा है। आज हमारा चेस्ट है, वैसे ही चेस्ट है, चेस्ट लगाएंगे जिम में। तो अभी हम लोग जिम में आ चुके हैं, तो ये जिम ये जा रहे हैं बिलाल। तो अभी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट थोड़ा वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। चेस्ट है तो आज हम चेस्ट लगाएंगे, तो फिर मिलते हैं वर्कआउट। पुशअप लगाने का स्टाइल है बंदे का भाई, अपने स्टाइल है, अलग ही स्टाइल है बंदे का। Thank you.
30 kg, 30 kg। अब सारंग खान उठाएंगे वेट। फाइनली मैंने तो 8 रेप्स निकाली 30 kg से। बिलाल की तो हालत टाइट हो गई है। हाँ बिलाल टाइट हो गई ना। ओहो क्या पंप आया भाई बंदे के पीक में। वाह क्या बात है भाई। स्माइल चेक करो ना बंदे के पीक को। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चल ना शाबा आ जा। हालत खराब हो चुकी है। फुल टाइम खराब है। क्या पंप आया है देख सकते हो। सर वगैरह फुल पंप हो चुका है। माशाल्लाह। ओए ये देख रहे हो ना बंदा बिल्डर। ओ एकदम बिग रेवी बनने वाला ये। ओ भाई वाह भाई वाह। फ्लाई बटरफ्लाई लगा रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पंप आ गया भाई। जस्ट कॉल द बीस्ट वर्कआउट। नो पेन नो गेन। पेन नहीं होगा तो यार गेन कैसे होगा भाई। हाँ बिल्कुल। फिनिशर है भाई लास्ट है। हालत फुल टाइट है। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। लास्ट है लग जाए। मर गया भाई। अपना तो वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। फुल्ली कंप्लीट। ये खुश हो गया तो अभी भी लगाने की पड़ी है। मर रहा है मगर फिर भी हालत देख लो इस बंदे की भाई। मेरी तो भाई पूरी हो गई। पम पम हो गया एकदम। बस अभी घर जाना है। आराम करना है। खाना पीना है बस। और तो डाइट करनी है। भूख लगी है। शोल्डर भी लगा दें यार। चलो भाई शोल्डर इधर आओ। चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ। ये पागल हो गया। इसको लगाने दो। मेरा तो पूरा हो गया। फिनिश हो गई एक साइड मेरी तो ख़त्म। अब मिलते हैं घर जाके। बाय। चलो भाई शुक्र है वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया। यार आज सर्दी कम है वैसे। सर्दी मेरा बेड़ा गर्क हो रहा है। मुझे तो भाई इसी प्यास लगी हुई है। मैं क्या बताऊँ हालत टाइट हुई है प्यास से। यार बला के प्यास है। फुल बेड़ा गर्क हो चुका है भाई मेरा प्यास से। दिल कर रहा है बस जाके पानी पीऊँ दबा के
5-6 लीटर पानी तो मैं पीऊंगा ही। 5-6 लीटर पी लेना। 5-6 लीटर तो भाई टैंकी फुल हो जाएगी मेरी। बार बार मैं वॉशरूम जाओ भाई। जो भी है एक्सरसाइज करने में मज़ा आया, वर्कआउट करने में। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू बी हेल्दी। सो फाइनली गाइस आई एम बैक टू होम। बहुत ही टफ दिन था आज मेरा और बहुत ही मज़ा आया मुझे आज व्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था व्लॉग बनाने को। आज मैंने बना लिया व्लॉग तो बहुत खुश हूँ मैं। तो बस मैं व्लॉग को आज यहीं एंड करूँगा और अभी बहुत थक चुका हूँ तो बस।